विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक सुनील केदार के खिलाफ चल रहे बैंक घोटाले में आखिरकार निचली अदालत ने फैसला सुना दिया है, जहां केदार को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी द्वारा केदार के खिलाफ पत्र परिषद का आयोजन किया गया, जहां भाजपा नेता डॉक्टर राजू पोद्दार ने जानकारी दी कि इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष से केदार के विधानसभा सदस्यता को रद्द करने की मांग की गई है। लगभग 20 साल पुराने 150 करोड़ के नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक घोटाले के निर्णय में सावनेर के विधायक सुनील केदार को दोषी करार दिया गया है, जिनके साथ केतन सेठ, मुख्य रोग के दलाल अशोक चौधरी, तत्कालीन बैंक प्रबंधक और 3 अन्य रोग दलालों को दोषी ठहराया गया है, तो बाकी 3 को निर्दोष बताया गया है। दरअसल 2002 में सुनील केदार नागपुर डिस्ट्रिक्ट बैंक के चेयरमैन थे। उस समय का यह मामला है, जिसके चलते आयोजित पत्र परिषद में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की अपील डॉक्टर राजू पोद्दार ने न्याय व्यवस्था से की है, जहां उन्होंने केदार पर मामले को टालने की साजिश करने का भी आरोप लगाया है और न्याय व्यवस्था से अपील की है कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जिस स्तर तक भी केदार बचने के लिए गुहार लगाए, वहां कड़े से कड़े वकील लगाकर दोषियों को बचने का मौका न दिया जाए। इस समय जानकारी देते हुए डॉक्टर राजू पोद्दार ने बताया कि मामले की संगीनता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष से केदार के विधानसभा सदस्यता को रद्द करने की मांग की गई है, साथ ही साथ मामले में कड़ा रुख अपनाने का निवेदन भी पोद्दार ने इस वक्त न्याय व्यवस्था से किया है। इस समय पूर्व विधायक डॉक्टर आशीष देशमुख, संध्या गोतमारे, साथ ही साथ भाजपा के मुख्य पदाधिकारी एवं नेता मौजूद थे। संबंधित मामले से राज्य की सियासत में चर्चाओं का तूफान उमड़ पड़ा है, जिसके चलते इस मामले का आगामी चुनाव पर असर पड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं, जहां यह देखना रोचक रहेगा कि यह मामला भविष्य की गोद से किस प्रकार चर्चा को जन्म देता है। सरकारी बँकेच्या संदर्भामध्ये कोर्टाने निर्णय दिला होता की सुनील केदार आणि इतर 5 हे ज्यांच्यावर दोषारोप जे आहेत ते निष्पन्न झालेले आहेत आणि त्या संदर्भामध्ये जो पूर्ण निकाल यायचा होता त्यासाठी कोर्टाने 4 वाजताची वेळ दिली होती आणि आताच 5 मिनिटांपूर्वी हा निर्णय आला आणि सुनील केदारांना 5 वर्षाची सजा ही या प्रकरणामध्ये झालेली। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की या संदर्भामध्ये गेल्या 22 वर्षापासून न्यायालयीन लढा सुरू होता। खरं पाहिलं असता केस एकदम सोपी होती। एक तर बँकेचे अध्यक्ष असताना सुनील केदारांनी सरकारी प्रतिभूतीची खरेदीच करायला नव्हती पाहिजे, त्याचे अधिकारच बँकेला नाहीये। शेअर मार्केटमध्ये किंवा गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीजमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्याचे अधिकार बँकेला नाही। एक तर त्यांनी ती इन्व्हेस्टमेंट केली, पण त्यातील कळस म्हणजे ती 153 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट केल्यानंतर 1 रुपयाची सिक्युरिटी, 1 रुपयाचा पेपर, 1 रुपयाचा शेअर बँकेला मिळालेला नाही आणि पूर्ण 153 कोटी रुपये हे उडून गेले, गायब झाले, गबन करण्यात आले। त्यातले जे एजंट्स होते विविध, ते एजंट्स आणि बँकेचे अध्यक्ष यांनी संगनमत करून त्या ठिकाणी त्या पैशाचा पूर्णपणे आभार केला। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।